दोस्तों रियलमी अपना नया मोबाइल लेकर के आने वाला है रियलमी सी सीरीज़ का। अभी क्या हो रहा है कि रियलमी ने अपनी पूरी नंबरिंग बिगाड़ दी है। रियलमी 5 प्रो का सक्सेसर रियलमी 6 प्रो ना होकर रियलमी 6 हुआ, उसी टाइप से रियलमी एक्स 2 का जो सक्सेसर है वो रियलमी एक्स 3 नहीं हुआ और रियलमी 6 प्रो हुआ। सेम इसी तरीके से शायद सी सीरीज़ में भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलमी सी 3 अभी लॉन्च हुआ था और अब फिलहाल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है सी 11 को। बीच के 4, 5, 6, 7 पता नहीं कहाँ चले गए, ये किसी को नहीं पता। और हो सकता है कि ये जो सी 11 आ रहा है ये नई सीरीज़ के रूप में आ जाए, जो सी 11, सी 12, सी 13 को इस टाइप से चलाया जाए और इसको बजट रेंज के लिए और एंट्री लेवल के लिए इसको यूज़ किया जाए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर सी 3 की तरह ही बिल्कुल थोड़े स्पेसिफिकेशन जो है वो मैच होने वाले हैं इसके, जाहिर सी बात है क्योंकि ये सीरीज़ कुछ इस टाइप की है, एंट्री लेवल है और एंट्री लेवल में आप सब जानते हैं कि इतना अच्छा हमें क्वालिटी नहीं मिल पाती है हर एक चीज़ की। तो शुरू से बात करते हैं इनके डिटेल्स के बारे में, क्योंकि ये फ़ोन इंडिया में बाद में आएगा, पहले ये मलेशिया में लॉन्च होने वाला है और जल्दी ही लॉन्च होने वाला है 1-2 हफ्तों के अंदर, तो बात करनी तो बिल्कुल बनती है। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन की। तो डिस्प्ले आपको लगभग सेम सी मिलने वाली है जो आपको मिली है रियलमी नार्जो 10A और रियलमी सी 3 में। 6.5 इंच की आपको HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, ऐसी बुरी नहीं है। क्योंकि जो प्राइस रेंज इसमें आने वाला है ये लगभग उम्मीद की जा रही है कि ये 6000 के आसपास इसका 2GB प्लस 32GB वाला जो वेरियंट है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको डिस्प्ले में तो यही मिलेगा, इससे अच्छी डिस्प्ले इस प्राइस में नहीं मिलती है। और मैं ये कहूँ कि अंडर 10 भी आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती है, तो डिस्प्ले में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस प्राइस रेंज में। जाहिर सी बात है कि आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर कि इस बार डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो गया है। जो उनका पहले हमेशा ट्रेडिशनल लुक आता है सीधी पट्टी वाला, वहाँ पर तीनों चारों जितने भी कैमरे होते हैं वो सब रख दिए जाते हैं, इस बार थोड़ा चेंज है, क्वाड्रेंगुलर वाला कैमरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 2 कैमरे मिले या फिर 3 कैमरे भी मिल सकते हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो 2 कैमराज की है। बैक साइड में आपको बैक साइड में 13+2 का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने के लिए मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो 12+2 का भी हो, और अगर 3 कैमरे आते हैं तो 12+2+2 का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जहाँ पर मैक्रो और डेप्थ सेंसर आपको ज़बरदस्ती चिपका करके दिए जाएंगे 2 और 2 वाले, और 13 और 12 मेगापिक्सल का जो भी होने वाला है वो आपका प्राइमरी सेंसर होगा। 5 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि अभी तक र्यूमर्ड है, और उम्मीद है कि 5 ही मिलेगी, क्योंकि रियलमी सी 3 में भी आपको 5 मेगापिक्सल ही देखने के लिए यहाँ पर मिली है। 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, 10W के चार्जर के साथ में ये आ सकता है। अगर 10W के चार्जर में आता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि रियलमी पहले से ही C1 और C2 वाली जो सीरीज़ है उसमें आपको 5W का चार्जर देता हुआ आ रहा है। तो अगर 10W आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको टाइप सी पोर्ट भी शायद इस मोबाइल में देखने के लिए मिल जाए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस सीरीज़ में भी अब रियलमी आपको टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा सारी बातें होने के बाद अब बचता है हमारा मेन चीज़ जो है परफॉर्मेंस। जी हाँ, उम्मीद की जा रही है कि ये आपको मीडियाटेक के हीलियो G35 पे देखने के लिए मिल सकता है। अब G35 अभी तक अनाउंसड है, अभी अनाउंस भी नहीं किया मीडियाटेक ने, नया प्रोसेसर है और हो सकता है कि ये इस मोबाइल के साथ में ही C11 के साथ में ही लॉन्च हो। तो दोनों ही एक दिन लॉन्च हो सकते हैं मीडियाटेक प्लस रियलमी के लॉन्च इवेंट में, जहाँ पर आपको G35 के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लीक मिलेंगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर है लीक्स के अनुसार लोग कह रहे हैं कि A76 इसमें आपको मिल सकती है कोर्स, और GPU आपको मालिका G76 मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है मुझे गलत है, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको ये सब मिलता है तो फिर इसका प्राइस 6000 के आसपास नहीं होगा, क्योंकि G76 मालिका G76 काफ़ी अच्छा GPU है, और कॉर्टेक्स A76 की अगर कोर्स मिलती हैं तब तो ये मालिक G90T वगैरह बराबर कंपटीशन वाला प्रोसेसर हो जाएगा, जो हमें 13-15,000 की प्राइस रेंज में देखने के लिए मिल रहा है इससे मार्केट में। तो अगर ऐसा होता है, प्रोसेसर इतना अच्छा होता है, तब आपको जो भी प्राइस है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, 6 या 7,000 के आसपास। 2 वेरिएंट लॉन्च होंगे इसके, 2+32 और 3+32, हो सकता है कि बाद में 4+64 को भी लॉन्च कर दिया जाए। तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा मोबाइल होने वाला है बजट रेंज के हिसाब से। अगर ये 5000 और 6000 के बीच में आ सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा इसका 2+32 वाला वेरिएंट, लेकिन देखते हैं कि G35 की स्पेक्स क्या होती हैं, क्योंकि अब जो भी डिसाइड होगा वो इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के बाद ही डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस कैसी प्रोवाइड करेगा और इस GPU में और इस CPU में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिस दिन मोबाइल लॉन्च होगा उस दिन आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी इसके बारे में, G35 के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार चैनल पर बहुत अच्छा बन रहा है और हमारे काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन हो रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच
फॉर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।